हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कंपटीटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आपका प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 था। तो अभी तक अगर आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आपको सामने मैथ का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो मैथ के क्वेश्चन को मैं छोड़ कर चलता हूँ। ऐसे अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आंसर टिक कर देता हूँ, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग जीके के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा। देखिए फिलहाल आंसर मैं यहाँ पर ही टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रयास जरूर करिएगा मैथ बनाने के लिए। पहला का जो आंसर जो दिया है वो सी नंबर है, सेकंड का जो है वो बी नंबर है, फिर थर्ड नंबर पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड का जो आंसर जो है वो आपका बी नंबर दिया हुआ है, और फोर्थ का जो दिया हुआ है वो सी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और फाइव में आ जाइए, फाइव नंबर में क्या कह रहा, तो फाइव नंबर का जो दिया हुआ है वो आपका तीन नंबर दिया हुआ है, यानी 42। और सिक्स नंबर पर ध्यान दीजिए, सिक्स नंबर का क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका सिक्स नंबर का जो दिया हुआ है वो आपका एक नंबर है। कौन सा है? एक नंबर, ठीक है, एक नंबर है, एक नंबर यानी 10। उसके बाद सेवन नंबर है, सेवन नंबर का थ्री हो जाएगा, ठीक है। और सेवन हो गया एट, एट नंबर का एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। नाइन नंबर पर बढ़ते हैं, नाइन टेन, ठीक है। तो नाइन नंबर का जो आंसर जो होगा, नाइन नंबर का वो हो जाएगा दो नंबर, और टेन नंबर का जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा 2000। उसके बाद देखिए अब 10 को इसमें मैथ था, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ टिक करवा दिया है। आगे देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा, तो 11 नंबर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रथम चरण में बिहार में कितनी सीटों पर मतदान होगी, ठीक है, जो 17वीं लोकसभा होने वाला है। तब बताइए, अगर किन्हीं को पता है तो बताइए, बताइए कितना इसका आंसर होगा। तो 11 का जो सही आंसर जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा, चार चरण, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर पर आइएगा, 12 नंबर में क्या कह रहा है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 कहाँ संपन्न हुआ। तो 12 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी नंबर होगा, कतर, कतर में हो गया। 13 नंबर में कह रहा है विदेशों से संप्रेषित धन के मामले में भारत कौन सा स्थान है। तो 13 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक नंबर, प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये तो आप बता सकते हो, 14 का तीन नंबर हो जाएगा, 21 जून। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ। तो बताइए 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 16, उसके बाद 16 से बढ़ते हैं। तो 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चौगोस द्वीप समूह पर किस देश के नियंत्रण को अवैध करार दिया गया है, मतलब इलीगल घोषित किया है, ठीक है, इलीगल करार दिया गया है। तो बताइए 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर, ब्रिटेन। नेक्स्ट 17 नंबर में कह रहा है G7 का कौन से देश है? चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया। तो 17 का जो सही आंसर जो होगा, 17 का डी नंबर होगा, ठीक है, इटली। नेक्स्ट बोल रहा है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है, तो बताइएगा 18 का क्या होगा सही आंसर, 18 का हो जाएगा सी, जापान का। 19 नंबर में बोल रहा है कि कीरूपन बिजली परियोजना किस राज्य का है, तो 19 का एक नंबर यानी जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, 19 हो गया। अब हम लोग 20 पर बढ़ते हैं, 20 नंबर में क्या कह रहा है, तो 20 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य ने प्रणाम आयोग का गठन किया, तो 20 का हो जाएगा डी नंबर, असम, ठीक है, असम पर आप टिक करिएगा। उसके बाद कह रहा है कि वेस्ट नील वायरस रोग के लक्षण किस राज्य में देखे गए हैं, तो बताइए 21 का सही आंसर क्या होगा, 21 का एक नंबर होगा, केरल, ठीक है।
21 का केरल हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में पढ़ते हैं, किस राज्य में सुजलाम सुफलाम सन संचय अभियान जल संरक्षण के लिए आरंभ किया गया? तो 22 नंबर को जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये तो फेमस है सबरीमाला मंदिर, तो आपका जो 23 नंबर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट बोल रहा है किस देश में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो बताइए 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 24 का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, UAE संयुक्त अरब अमीरात। 25 नंबर, 25 नंबर में बोल रहा किस भूतपूर्व क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 25 का सी, अनिल कुंबले, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है इसमें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडो रूस राइफल बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना किया गया? तो 26 का बताइए, 26 का सही आंसर क्या हो? 26 का हो जाएगा 2 नंबर, अमेठी। नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 27 का जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, 27 का 3 नंबर। नेक्स्ट 28 नंबर में बोल रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है वो पूछ रहा है, तो 28 का जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च हो जाएगा, 22 मार्च पर लगाइएगा। नेक्स्ट बोल रहा अंतरिम बजट 2019-20 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन के माध्यम से किस जानवर को संरक्षित किया जाएगा? तो बताइए 29 का क्या हो जाएगा? 29 का 2 नंबर हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट बोल रहा है कि बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन देश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 30 नंबर का हो जाएगा, एक नई दिल्ली। अब आगे 31 नंबर में बढ़ते हैं, 31 नंबर में कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला है? ठीक है, मतलब वन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, तो बताइए 31 का सही आंसर क्या होगा? तो 31 का हो जाएगा डी नंबर, मिजोरम। नेक्स्ट बोल रहा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2019 का पुरुष एकल विजेता कौन था? तो 32 का जो हो जाएगा 2 नंबर, नोवाक जैकोविच। नेक्स्ट बोल रहा कोपा अमेरिका 2019 का विजेता कौन सा टीम के बारे में पूछ रहा है? तो 33 का 2, ब्राजील। नेक्स्ट बोल रहा बिहार के पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव हाल ही में क्यों चर्चा में रहे थे? तो 34 का बताइएगा, 34 का जो सही हो जाएगा वो 3 नंबर होगा, पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 नंबर हो गया, सी नंबर मारिएगा। 35 नंबर, 35 नंबर में बोल रहा बिहार के किस अभिनेता को वर्ष 2019 का पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो बताइए क्या होगा? 35 का ई नंबर होगा, लास्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका ई नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? तो 36 का एक नंबर हो जाएगा, सबसे तेज गति से चलने वाला रेलगाड़ी। नेक्स्ट बोल रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो 37 का हो जाएगा 2 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, IMF। नेक्स्ट बोल रहा किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल तथा डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो बताइए 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का जो सही आंसर जो होगा वो ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो, एक से अधिक वाला, ठीक है, ई नंबर हो जाएगा उसका। ठीक है, 39 में कह रहा किस राज्य में गुलाबी क्रांति का प्रारंभ किया गया? तो 39 का 3 नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 40 नंबर में बोल रहा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सेज इकाइयां हैं? तो 40 नंबर का ऑप्शन इधर है, यहाँ पर है, तो 40 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तमिलनाडु। 41 नंबर पर आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो
तो 41 का जो सही आंसर जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो 42 का जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बोल रहा, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो आप बता सकते हो, 43 का तीन नंबर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। 44 पर आते हैं, 44 नंबर में बोल रहा है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 44 का दो हो जाएगा, दो बार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां बताइए क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो 45 का आंसर बताइए, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को। ठीक है, तो इसके बारे में बताना, मैंने अवशिष्ट अधिकार शक्तियों के बारे में बताना है। तो 45 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 45 का जो है एक नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक नंबर, संघीय सरकारों को दिया गया है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किस राज्य में लोकसभा में प्रतिनिधित्व अधिकतम है? तो 46 यानी 46 का जो आंसर जो होगा वो एक नंबर, यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट, 47 नंबर पर आइए, संसद में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 47 का क्या होगा? 47 का एक नंबर हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट बोल रहा, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो 48 का डी नंबर हो जाएगा, कानूनी अधिकार में आता है। नेक्स्ट बोल रहा कि संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा मिल गया, तो बताइए 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का जो सही आंसर जो होगा वो 49 का बी नंबर हो जाएगा, दो नंबर, 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, 50 नंबर में बोल रहा है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ये तो हल्का है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका एक नंबर होगा, 1951 में। नेक्स्ट बोल रहा, हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में निहित है? तो 51 नंबर का डी हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? ठीक है, तो 52 का हो जाएगा, दो नंबर, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 53 का जो सही आंसर जो होगा वो तीन नंबर हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट, चौवन नंबर में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 54 का दो, आद्य ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट बोल रहा है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगाज कोई के बारे में बताना है। तो 55 का जो हो जाएगा वो दो नंबर हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामो उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो 56 का जो राइट आंसर जो होगा, 56 का डी नंबर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, 57 नंबर पर है, 57 नंबर बोल रहा, किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा एक नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इधर 57 हो गया, अब 58 पर बढ़ते हैं। 58 पर को बताना है कि टोपरा तथा मेरठ से दो स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो 58 का जो सही आंसर जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी है, एक नंबर है, एक नंबर। नेक्स्ट बोल रहा, आज प्रधानमंत्री मंडल किस राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो 59 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, शिवाजी में थे, शिवाजी सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा, आगरा शहर किस सुल्तान ने बसाया था? 60 का दो नंबर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, 61 नंबर में कह रहा, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता बताना है, कि चोल प्रशासन का क्या विशेषता है? तो ये दो नंबर हो जाएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि विधिवेता थे? ठीक है, मतलब कानून के जानकार थे। तो
तो 62 का जो सही आंसर जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। ठीक है, 62 का क्या होगा, विज्ञानेश्वर, विधि वेता। ठीक है, आगे बोल रहा भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो 63 का दो नंबर हो जाएगा, रामानुजाचार। ठीक है, नेक्स्ट है 64 पर बढ़ते हैं। 64 नंबर में बोल रहा उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था, तो 64 का डी नंबर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो बताइएगा 65 का सही आंसर क्या होगा, तो 65 का एक नंबर हो जाएगा, भील विद्रोह। नेक्स्ट, निम्न में कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, तो बताइए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो 66 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ई नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, मोतीलाल नेहरू और ये एक सुभाष चंद्र बोस थे, तो उपर्युक्त में से ये एक से ज़्यादा आंसर होगा ई नंबर, लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर में करा निम्न में कौन सुमेलेखित है, मतलब सही है, तो 67 का ई नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रोइट के संपादक कौन थे, तो 68 का सही नंबर बता, 68 का बताना है, 68 का दो नंबर हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट बोल रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिए थे, तो 69 का डी नंबर हो जाएगा, लखनऊ 1916। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये बताना है, तो 70 का तीन नंबर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पर, 71 नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो बताइएगा 71 का एक हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताना है, वो पत्रिका कौन सा है, मैगजीन कौन सा है, तो 72 का तीन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट बोल रहा निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के लिए गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया, तो 73 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी फोर का बताना है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलेखित करना है, तो 74 का जो आंसर जो होगा ना, 74 का दो नंबर होगा। ठीक है, मतलब एक का तीन हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती बिहार का को रिलेट करिएगा, फिर खुदाई खिदमतगार जो होगा वो W 4 नंबर इसमें चला जाएगा, फिर है स्वामी रामानंद के बारे में, तो सी का एक हो जाएगा, हैदराबाद, और लास्ट आपका अब्दुल हमीद खान जो हो जाएगा वो दो नंबर, दक्षिणी असम। ठीक है, नेक्स्ट 74 हो गया, 75 नंबर पर आते हैं। 75 नंबर में बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, तो 75 का जो हो जाएगा वो एक नंबर हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट, ब्राह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है, 76 के तीन होगा। ठीक है, एक देववाद पर। नेक्स्ट, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, 77 का तीन हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। 78 पर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बताना है कि कौन थे, 78 का एक नंबर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक नंबर मारिएगा। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है, तो 79 का जो सही आंसर जो होगा वो 79 का डी नंबर हो जाएगा, डी। ठीक है, 79 का डी नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो डी नंबर यानी कहने का मतलब जो हिंदू है हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, उसके बाद सुधारक है, सुधारक का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और वायस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
नेक्स्ट 80 नंबर पर पढ़ते हैं। 80 नंबर में कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था? तो 80 का डी नंबर हो जाएगा, कोलियों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? बताइएगा 81 नंबर का, 81 का दो नंबर हो जाएगा, दादू मियाँ। नेक्स्ट 82 नंबर बोल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? तो 82 का दो नंबर हो जाएगा, कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट 82 हो गया, 83 पर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति किस राज्य से संबंधित है? तो 83 का ई हो जाएगा, ठीक है, इनमें उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो 84 का जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा, 1967 में। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइएगा। 85 का तीन नंबर होगा, फिरदौसी। नेक्स्ट बोल रहा है बिहार किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 86 का तीन नंबर हो जाएगा, तीन नंबर में 1929 है, ठीक है, तो उसे याद रखिएगा, 1929। चलिए आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर पर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस शहर में किया गया था? 87 का दो, पटना। नेक्स्ट, जनवरी 1929 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 88 का जो सही आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय दीप नारायण सिंह किस जिला से संबंधित है? ये टोटल का टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिहार स्पेशल का है, तो 89 का तीन नंबर हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट कह रहा है 90 नंबर, वह कौन सा स्थान था जहां संथालों ने 1855 से लेकर 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो 90 का जो आपका राइट आंसर जो होगा वो दो नंबर हो जाएगा, सॉरी आद्रता बोलता हूँ, ठीक है, 90 का दो नंबर यानी भागलपुर राजमहल, ठीक है, 90 का दो नंबर। और आगे कह रहा है कि पायरोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये बता सकते हो, 91 का सी हो जाएगा, उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पादित होता है? तो 92 का एक नंबर होगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऐसा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही होता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, इसमें आपका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 और फिर आपका CO2, ठीक है, तो ये दोनों मिलता है, ठीक है, तो उसको उसके बाद आपका, सॉरी, ये आपका प्रकाश संश्लेषण का थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में ध्यान दीजिएगा, वो मैं श्वसन क्रिया के बारे में बता रहा था। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और +H2O दोनों मिल जाता है और ये बना देता है ग्लूकोज, यानी C6H12O6 बना देता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्लस में जल भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। वो मैं उस समय आपको श्वसन के बारे में बता रहा था कि श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 92 कंप्लीट हो गया, 93 पर। 93 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो बताइए 93 का सही आंसर क्या होगा, तो 93 का जो हो जाएगा वो दो नंबर, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है, तो किसमें ये परिवर्तित कर देता है? तो 94 का जो राइट आंसर जो होगा वो 94 का तीन हो जाएगा, आइनोस्फेयर, ठीक है। आगे कह रहा किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो 95 का डी नंबर हो जाएगा, नष्ट हो जाता है उसका चुंबक का पावर जो होता है, नष्ट नष्ट हो जाता है और पटक देने पर भी नष्ट हो जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट 96 पर आगे बढ़ते हैं। ना चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो 96 का 3 नंबर हो जाएगा टेफलॉन, टेफलॉन पर मारिएगा सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा किडनी स्टोन यानी पथरी में क्या होता है? तो 97 का 2 हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, ठीक है कैल्शियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट बोल रहा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो 90 जो 98 है 98 का वो 3 नंबर होगा एंगस्ट्रम, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी भी होती है। 99 नंबर, 99 में कर रहा है कि धूप के चश्मों के रंगीन कांचों में क्या होता है? तो 99 का जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, ठीक है फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। और आपका 100 नंबर जो कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो ये ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है तो ई नंबर होगा। इसमें 150 क्वेश्चन को कवर किया गया है। आगे 101 नंबर पर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर किस नियम पर काम करता है? तो ये आपको बताना है, ठीक है विद्युत मोटर के बारे में बताना है, ठीक है तो बताइए कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो 101 का 3 होगा फैराडे के नियम। नेक्स्ट 102 नंबर में कह रहा है कि गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो 102 का 3 नंबर हो जाएगा इनसेफलाइटिस। नेक्स्ट 24D के बारे में बताना है, क्या है 24D, ठीक है तो 103 का डी होगा एक खार पतवार नाशी है। नेक्स्ट महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 104 का जो सही आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा सोनार, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है आपको पता होगा बताइएगा। 105 का, तो 105 का जो सही आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है मतलब सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है वो पूछ रहा है। तो 106 का जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? 107 का 2 नंबर होगा एड्रेनेलिन। नेक्स्ट 108 को मैचिंग करना है, तो 108 का जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है यानी आर्सेनिक 74 जो होगा वो ट्यूमर ट्यूमर में हो जाएगा, कोबाल्ट 60 जो होगा वो कैंसर के लिए हो जाएगा, आयोडीन 131 जो हो जाएगा वो थायराइड ग्रंथि के लिए, और सोडियम 24 जो होगा वो रक्त व्यतिक्रम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा किस विटामिन में कोबाल्ट होता? तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, ठीक है। तो 109 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सौ दस पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? 110 का 2 पत्ती हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो बताइए कौन सा होगा? 111 का डी होगा रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 113 में बताइएगा कह रहा टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है, कहाँ उठता है टॉर्नेडो? 113A कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि, सॉरी ठीक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा, ठीक है तो 114 का डी। नेक्स्ट बोल रहा किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ठीक है तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो 115 का जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा भोटिया। नेक्स्ट 116 में बोल रहा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो 116 का, 116 का हो जाएगा 2 नंबर झेलम। नेक्स्ट निम्न में कौन सुमिलेखित नहीं है? तो 117 का 1 नंबर होगा, बाकी सब सही है। प्राकृतिक पतन कोचीन है, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन जो है वो जवाहरलाल हो जाएगा, और ज्वारीय पतन कांडला गुजरात वाला हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बरमूडा ट्रायंगल मतलब बरमूडा त्रिभुज कहाँ है तो बताइए किस महासागर में है, तो 118 का एक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, 119 में आइए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पर होगा वो आपको बताना है कि कहाँ पर होगा, तो 119 का डी होगा, विषुवत रेखा। नेक्स्ट ओजोन परत अवस्थित है, तो 120 का 3 नंबर हो जाएगा, समताप मंडल। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे करा बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो 121 का 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट आगे बोल रहा संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो 122 का 1 हो जाएगा, मासिन राम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था लेकिन अब बदल चुका है, ठीक है, मासिन राम होगा। 123, कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 123 का 3 होगा, नर्मदा। नेक्स्ट किस जनजाति द्वारा झूम कृषि की जाती है, 124 का 3 नंबर, थारू। ठीक है, नेक्स्ट करा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो 125 का डी हो जाएगा, देवप्रयाग। नेक्स्ट बोल रहा सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है, तो 126 का डी हो जाएगा, पटना। आगे आते हैं 127 नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, तो 127 का 2 हो जाएगा, नवादा में। नेक्स्ट हाल के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 1% बताना है कितना है, ठीक है, तो 128 का डी हो जाएगा, 6.87%। और 129 नंबर में बोल रहा है कि किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है, तो फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, गंडक हो जाएगा 129 का। चलिए 129 में यहाँ बताना है, बताइए 129 का क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, 130 का 1 नंबर हो जाएगा, सूर्यकुंड है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास का साक्षरता दर बताना है, तो बताइए कितना होगा, तो 131 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, ठीक है, कौन सा है वो बताइएगा, 132 का 2 नंबर हो जाएगा, शेखपुरा। आगे कह रहा 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बताना है, तो 133 का 3 होगा, बिहार। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म में साक्षरता सर्वाधिक रही है, तो बताइए 134 का क्या हो जाएगा, 134 का डी नंबर हो जाएगा, जैन। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है, और 2011 के जनगणना से खासकर बिहार के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 135 पर, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म का है, तो 135 का हो जाएगा, 2 नंबर, ईसाई। नेक्स्ट पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 136 का 1 नंबर हो जाएगा, छाता विधान। नेक्स्ट पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो कहाँ आयोजित हुआ था, तो 137 का डी नंबर, 1997। ठीक है, डेट बताना है। नेक्स्ट 138 में बोल रहा हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक बताना है कौन है, तो 138 का 2 नंबर हो जाएगा, WM एडमस। ठीक है, चलिए आगे 139 पर आते हैं, 139 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आए हैं, बताइए, 139 का 1 नंबर होगा, मधेपुरा। नेक्स्ट बोल रहा बिहार में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला बताना है, तो 140 का 2 नंबर हो जाएगा, बक्सर। आगे बोल रहा नवी नगर विद्युत परियोजना किस राज्य में है, 141 का 3 हो जाएगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट बोल रहा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था,
142 का दो नंबर हो जाएगा 1990-91। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कह रहा भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 143 का डी नंबर होगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट बोल रहा आपके पद राष्ट्रीय आय का मतलब बताइए क्या होता है। ठीक है, तो आगे भी आपका ऑप्शन से देख लीजिए, ये आपका है, तो इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, तो ये सारा कुछ आ जाएगा राष्ट्रीय आय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 145 में कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ कब? लागू मैंने जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, तो जीएसटी जो लागू हुआ था 145 का दो नंबर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट बोल रहा है कि कच्चे तेल का संचित भंडार किस देश के पास है? तो 146 का एक नंबर होगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना बताना है कि कब हुआ? ये तो हल्का क्वेश्चन है, 1950 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस राज्य से आरंभ हुआ? तो बताइए 148 का क्या हो जाएगा, दो नंबर होगा, हरियाणा। नेक्स्ट बोल रहा बिहार बजट 2019-20 में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया? तो 149 का होगा दो नंबर, यह शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बिहार में 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना है, अनुमानित कितना है? ठीक है, तो उस समय के बताने के लिए बोल रहा है कितना है, तो 150 का तीन नंबर होगा। ठीक है, 16,101 करोड़। तो ये 150 नंबर का सेट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको ये सेट पसंद आया होगा, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।